हाय, वेलकम टू द ट्रैवल एंड फूड डॉक्टर। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी हमने जो बापू बाजार जयपुर से क्या क्या शॉपिंग किया है, वो मैं सब दिखाने वाली हूँ। बहुत थोड़ा सा ही शॉपिंग है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया आने के लिए कि क्या रेट्स है और आप कैसे बार्गेन कर सकते हो, इसके लिए बता रही हूँ। तो चलो देखते हैं। तो इसमें है फर्स्ट ये राजस्थानी पगड़ी और हैट जो बोलते हैं वो, तो ये हमने लिया था आमेर फोर्ट पे, और ये वो बोल रहे थे 150 रुपीज़, बट हमने बार्गेन करके 50 रुपीज़ में लिया है। तो आप भी जहाँ पे भी शॉपिंग करोगे तो ट्राई करो कि आप बार्गेन कर सकते हैं। ये फ़ोटोज़ वगैरह निकालने के लिए बहुत काम आता है, और ऐसे तो क्वालिटी इसका बहुत ही सिंपल है, एक पेपर पे बनाया हुआ है, बट इट्स गुड फॉर फ़ोटोज़ एंड ऑल। चलो, और ऐसे वो आपको सारे टूरिस्ट स्पॉट पे मिलेगा, बट याद रखो कि आप बार्गेन करना है। जस्ट 50 रुपीज़ में एक लिया था हमने, ठीक है। अभी नेक्स्ट, ये ऐसे मैंने शॉर्ट कुर्तीज़ लिया है अलग अलग, अभी बहुत सारे दे भी चुके हम लोग, अभी थोड़े से ही है। तो ये मैंने ऐसे ही कॉटन के कुर्तीज़ लिए थे शॉर्ट में, तो आप ऐसे ले सकते, लॉन्ग में भी है शॉर्ट में भी है। ये भी मैंने 400 ईच लिया है, इसमें भी आप 350 तक आराम से बार्गेन कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट शॉप पे ये 350 में मिल रहा था। तो ऐसे ये तीन है, सेम है, डिज़ाइन अलग अलग है। ये एक लॉन्ग कुर्ती है, तो मैंने बेसिकली सब कॉटन में ही सिंपल लिया है, ज़्यादा ऐसे फैंसी नहीं है। तो ये वो 750 या 800 बोल रहे थे, हमने 600 में ईच लिया है। एक्चुअली हमारे पास बहुत कम टाइम था, तो इसके लिए हम ज़्यादा शॉप्स नहीं घूम पाए, तो आप और शॉप देख के फिर आपको आइडिया आ जाएगा, तो आप बार्गेन कर सकते हैं। इसे हमने दो लिए थे, अभी एक ही है। नेक्स्ट है, जैसे टी शर्ट लिया है किड्स के लिए, जिसमें ऐसे प्रिंट बना हुआ है, तो ये एक अश्विक ने भी पहना था हमारे एक व्लॉग में, तो ये 100 रुपीज़ में आ जाते हैं। कोई कोई जगह 150 भी है, एक जगह पे हमने 150 में लिया था, बट ये 100 में आ जाता है आराम से। दूसरा ये ऐसे बैग्स है, स्लिंग बैग, ये मुझे बहुत पसंद आया था, और ये 200 में ही बोला था मैंने, बार्गेन नहीं किया, बिकॉज़ ये 200 का वर्थ लगा मुझे, इसमें आप आराम से मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, और इसमें भी बहुत सारे डिज़ाइंस थे। और एक बैग है, ये थोड़ा बड़े साइज का है, इसमें भी मस्त मस्त प्रिंट थे, और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। इसमें आप देखोगे तो अच्छे से दो कंपार्टमेंट भी है। अब ये मुझे देना है, इसके लिए मैं खोल नहीं रही हूँ। ये हम 450 बोला था, हमने 300 में लिया, तो ऐसे भी आप गिफ्टिंग के लिए ले सकते हैं। और बाकी हमने बहुत खाने पीने की चीज़ें ली थी, वो तो ख़त्म हो गई है अभी। इसमें हाँ, ये ऑक्सीडाइज बैंगल्स लिए थे मैंने, ये हर जगह पे 150 का पैर या 200 का पैर आ रहा था, तो हमने ये 100 में लिया है, 100 में पैर लिया है, तो ऐसे भी आप ले सकते हैं। ये भी बैंगल्स है, ये वहाँ के स्पेशलिटी लाख का बैंगल्स बोलते हैं ना, वैसा है। तो ये 100 का आता है सेट, तो मैंने ये थोड़ा अलग है डिज़ाइन, इसके लिए ऐसा लिया। पूरा सेट भी आता है 6 बैंगल्स का, वो भी 100 में ही आता है, तो इसमें कुछ बार्गेन नहीं कर सकते, ये 100 का ही कॉस्ट बराबर है। और कुछ नहीं, और एक है ये, हमने अश्विक के लिए एक कुर्ता लिया था जयपुरी पैटर्न में, ये हमें पूरा सेट आया है 400 का,
उसके नीचे ये पैंट भी है और एक सिंपल सी कुर्ती है और एक है ये मोजरी है ये भी छोटे लड़की के लिए है तो ये हमें 200 में आया। तो दैट्स इट, इतना ही हमने शॉपिंग किया और खाने की चीज़ें में हमने आगरे का पेठा और जयपुर का फेमस मलाई घेवर वो भी हमने रावत से खरीदा, वो सब ख़त्म हो गया, और मथुरा का पेड़ा ब्रिजवासी का। तो ये है छोटा सा एक शॉपिंग हॉल का मैंने कोशिश किया है। तो ज़रूर वीडियो देखिए, लाइक करो, शेयर करो, आपको ऐसे और वीडियोस देखने पसंद रहेंगे तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और ये हमारा जयपुर आगरा मथुरा जो ट्रैवल सीरीज़ है उसके व्लॉग्स आते ही रहेंगे, तो आप एक भी व्लॉग मिस मत करना। सब वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।